अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही मजे में होंगे और अच्छे होंगे और ऐसा कुछ कर रहे होंगे कि आपके माँ बाप आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए होंगे। मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक आप सबकी नेक और जायज़ तमन्नाओं को कबूल करें, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे तो ऐसा लगता है आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरी तरह। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, और अच्छे हो तभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ठीक है। तो आज थोड़ा मुंबई में सर्दी का माहौल हो चुका है, तो ये मैं पहनी हूँ शॉल, और ये शॉल मेरे पे कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये शॉल की एक स्टोरी है, और आज मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ जो कि है हमारा ये जौला रेसिपी। देखो ये है हमारा जौला, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बारीक बारीक झींगा है, ये एकदम बारीक होता है। इसमें का एक वैरायटी होता है जो बड़ा रहता है, और एक जो होता है छोटा होता है, एक इससे भी छोटा होता है। तो इसको बनाने का मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एकदम सिंपल और ईजी तरीका है, ठीक है। ऐसे आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही लजीज लगेगा खाने में और मज़ा लगेगा, मज़े का लगेगा, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ ये बता दूँ, तो दोस्तों लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी डिज़ाइन जो कि आज मैंने बनाई हूँ, कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने अम्मी को आज एक गिफ्ट दी थी जो कि अम्मी एकदम इमोशनल हो गए थे और एकदम खुश हो गए थे। तो ये देखिए जो मेरी डिज़ाइन है, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। ये देखिए माशाल्लाह 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 ज़रूर बोल देना, ठीक है। अगर आपको मेरे से मेहंदी सीखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मेहंदी का भी सीरीज चालू कर दूंगी। और अभी इंशाल्लाह मैं सोची हूँ कि मेहंदी का बिजनेस स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और हाँ, बात आती है मेरी मम्मी की गिफ्ट की, तो ये जो शॉल मैं ओढ़ी हूँ ना, ये मेरी अम्मी का गिफ्ट है, अम्मी का गिफ्ट है, यानी मेरी नानी की तरफ से गिफ्ट था। इसको करीब हो गए हैं 20 साल हो चुके हैं, इसको 20 साल हो चुके हैं और अम्मी इसको ओढ़ते हैं, और आज मैं इसको ओढ़ी, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे ऊपर, ये देखो है ना। और ये मतलब मेरी अम्मी ठंडी में यही ओढ़ते हैं, लेकिन वैसे मुंबई में ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, आज ठंडी थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मैं ओढ़ी थी, ठीक है। तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब मेरी अम्मी यही शॉल ओढ़ते हैं, और इसका मैं हालत दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, ये देखो इसका हालत। और ये मेरी अम्मी ऐसा क्या करते हैं मालूम, जब कहीं जाते हैं ना तो ऐसा करके इसको ऐसा जब ओढ़ते हैं तो ये पीछे आता है, ठीक है, ये पीछे भी आता है आगे भी आता है, इसको फेंकते नहीं, क्योंकि उनकी मम्मी का, और अल्लाह पाक मेरी नानी को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनकी मगफिरत करे, और जितने भी लोग मरहूम हैं इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, उनको भी जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, मेरी अम्मी को दी थी मैंने एक गिफ्ट, तो मैं बहुत दिन से देख रही थी और मैं पैसे जमा कर रही थी मेहंदी लगा लगा के फेशियल करके, ब्लीच करके, पेडिक्योर करके, मैनिक्योर करके, तो फाइनली मैंने अपनी मम्मी को ये वाला शॉल दी। और अम्मी सो रहे थे एक्चुअली जब वो आए ना, मैं आई ना, तो मैं अम्मी के लिए ये शॉल लेके आई थी, और ये देखो ये शॉल मेरी मम्मी के लिए मैंने न्यू शॉल लेके आई थी, और सब मतलब ये मेरी मेहनत के पैसे का मेरी मम्मी को मैंने फर्स्ट गिफ्ट मेरी मम्मी को दी। मुझे ऐसा लग रहा था अल्लाह पाक अगर लड़की लोग अगर देने वालों में से बना देवे, अल्लाह पाक अगर लड़कियों को ऐसा बना देवे कि अपने माँ बाप के लिए वो कुछ कर सके, तो कितनी बड़ी बात होती है। मैं जब अम्मी सो रहे थे, मैं जब आई, मैं बोली अम्मी आपके लिए एक गिफ्ट है। बोले क्या गिफ्ट है? जो चाय बना जाके, मैं सो के उठी हूँ, मेरे को सर्दी हो गया। मैं बोली अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करिए चाय वही बनाई, अम्मी को दे दी, अम्मी चले गए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मैं बोली अम्मी आपके लिए गिफ्ट, थैली में पैक था, मैं गई अम्मी को दी, अम्मी ऐसे देखे बोले ये कहाँ से लाई? मैं बोली आपके लिए गिफ्ट, आपका ये फट गया था ना। अल्लाह वो एकदम से इमोशनल हो गए, मैं भी एकदम इमोशनल हो गए कि मेरी अम्मी को मतलब पसंद आ गया। पहले तो मेरे को लगा कि अम्मी गाली देंगे कि क्यों लेके आई तू, ये मेरे पास है। बोली नहीं, फिर मेरी अम्मी एकदम खुश हो गई, मेरे सर पे हाथ रख के दुआ दिए, बोले अल्लाह मेरी बच्ची इतनी मेहनत करती है, अल्लाह पाक उसको तरक्की दे और खूब कमाए, आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। आप भी कमाओ, आप भी अपने माँ बाप के और अपने भाई बहन के ड्रीम्स पूरे करो। तो ये शॉल मुझे बताना कैसा लग रहा है, मैं इसको ओढ़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। और ये कलर ना मेरे ऊपर भी जच रहा है, मेरी अम्मी के, अम्मी के ऊपर कुछ ज़्यादा जच रहा है, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे से भी ज़्यादा माशाल्लाह गो रही है। ये देखिए है ना, बिलाल दे कैसा लग रहा है? इधर आ, मेरे को रिंग लाइट बहुत तेज लग रही है। अबे मेरे को क्यों उड़ा रही है? मेरे को भी अच्छा लग रहा है, मालूम है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे अपने मम्मी पापा को अपने मेहनत के पैसे के गिफ्ट्स दिया करो, ठीक है। तो चलिए आज की रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिसमें आपको मेरे ब्लॉग्स के सारे नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए
सबसे पहले हम इसको धोने का तरीका देखेंगे। ये ज़्यादा मच्छी होती है तो हमें समझ में नहीं आता है कैसे धुली जाए, तो पहले आपको पानी लेना है टब के अंदर और ऐसे धुलते रहना है और थोड़ा थोड़ा जो कचरा है ना उसको निकालते जाना है। जैसे कुछ अलग मच्छी होती है, देखो अलग अलग मच्छी आ जाती है, सड़ी हुई मच्छी रहती है, तो आप इस तरीके से निकाल दीजिए। फिर आप दोबारा भी इसी तरीके से धुल सकते हैं, दूसरे पानी से भी धुल लीजिए। देखो पहला पानी कितना गंदा था, अब ये वाला पानी थोड़ा साफ़ हो गया है। इसी तरीके से आप 5 बार धुल लेंगे ना तो अच्छे से ये साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर मैं पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ली हूँ तो मैंने सिर्फ 3 बार धुली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसे छन्ने में रखना है जिसमें इसका पानी पूरा रिमूव हो जाए, वरना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई के अंदर 3 चम्मच ऑयल डाल दी हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हमारा जो झींगा है उसको ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कम से कम 1/2 चम्मच हल्दी, ठीक है। इसको हम भूनेंगे, यानी इसका पानी हमें अच्छे से जला देना है। जब हम इसको भूनेंगे ना इसके अंदर से पानी निकलेगा और फिर इसके जो रोए हैं वो भी सारा निकल जाएगा और अपने आप पूरा ड्राई हो जाएगा। ये देखिए पूरा पानी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको जलाना है और इसके ढकना नहीं है आपको, ठीक है, इसे खुला खुला पकाना है। मैं रोटी पकाने लग गई थी तो इसलिए मैंने इसको ढक दी थी, क्योंकि मेरा गैस बंद कर दी थी मैंने। अब ये देखिए हमारा जो झींगा है, आपको ऐसा लगे कि कुछ कुछ बाल बड़े हैं तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। फिर अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ दोस्तों, प्लेट में निकाल लेंगे हम। और आप चाहे तो इसको पछोर लीजिए, और ऐसे अगर बड़े बड़े झींगे हैं तो आप इसका मुंडी निकाल दीजिए और इसके पुच्छी निकाल दीजिए और पैर निकाल दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके दांत में नहीं फंसेगा। एक बार ऐसे ही मेरी अम्मी के पीछे वाले दांत में फंस गया था जो कि 1 महीने बाद निकला था। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसको पछोर लीजिए, इसका जो बाल वगैरह है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पछोर ले रही हूँ और ये देखिए इसके अंदर का थोड़ा थोड़ा कचरा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा कचरा है ना, थोड़ा जो फंसा हुआ है, उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच ऑयल, ठीक है। आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं, तेल की क्वांटिटी हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पे हमारा जो तेल है गरम हो चुका है, ठीक है। अब चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच गरम मसाला, ठीक है। 2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी हमने पहले डाला था, इसका आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पर मैंने लेके आई थी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये नवा लेके आई थी, और जो पहले वाला लाई थी वो ख़त्म हो चुका है। और बहुत बार होता है जब हम लोग अदरक लहसुन के पेस्ट का डब्बा बंद करते हैं, खोलते तो स्मेल आता है, तो आपको ऐसा छोटा सा ना होल कर देना। इससे क्या होगा, जो गैस बनेगी वो रिमूव हो जाएगी, स्मेल नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसको करीब 1 कटोरी पानी ऐड कर दी हूँ, इसका मैंने पेस्ट बना के रख ली हूँ। ये 10 मिनट में ये फूल जाएगा, ठीक है, 10 से 5 मिनट लगेगा ये पानी में फूल जाएगा। अब हम आते हैं इधर कढ़ाई की तरफ। हमने यहाँ पर 2 बड़े प्याज काट करके रखे थे, चॉप करके रखे थे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई डालेंगे जिसे हम सरसों कहते हैं। सरसों आपको अच्छे से पका लेना है, अगर आप सरसों अच्छे से नहीं पकाएंगे तो सरसों का टेस्ट थोड़ा कड़वा आएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा ज़ीरा और राई अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 प्याज कट करके डाली हूँ। अब हम इसे एकदम पकाना नहीं है, यानी आधा कच्चा आधा पक्का रखना है, जैसे हल्का हल्का मरून हो जाता है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 लाल मिर्ची सूखी वाली, आप चाहे तो ग्रीन मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही तोड़ के मैंने डाल दी हूँ। इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी हूँ तेल में, यानी पकते हुए मैं ऐड कर दी हूँ, ठीक है, इसे कच्चा कच्चा नहीं लगेगा। और जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दी हूँ मैंने। थोड़ा सा 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दीजिए, इसे हम 10 मिनट के लिए भूनेंगे। जब तक पानी रहेगा तेल ऊपर नहीं आएगा, जब तेल ऊपर आ जाएगा यानी आपका जो मसाला है अच्छे से भुन गया है। अब जब मसाला भुन गया है तो आपको आपके जो झींगे हैं उसको ऐड कर देना है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, आपने कौन कौन से टाइप के झींगे खाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 1.5 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसे पकना भी है, यानी छोटा ग्लास है, आप चाहे तो 1 ग्लास ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से भूनेंगे और मीडियम फ्लेम पर रख देंगे।
आप चाहे तो इसके अंदर नींबू का रस या तो फिर टमाटर या तो फिर आप इसके अंदर कोकम ऐड कर सकते हैं या तो फिर आप इमली भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चम्मच नींबू का रस ऐड की हूँ। ये मैंने बांगड़ा मच्छी लेके आई थी, एक उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए थे तो मैंने इसको ऐसे ऐड कर दी हूँ। आप चाहे तो बांगड़ा मच्छी की भी रेसिपी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। जब तक मैं रोटी बनाऊंगी यहाँ पर मेरा जो मच्छी है बनके तैयार हो जाएगा। इसे 15 मिनट से 20 मिनट लगेंगे। ये देखिए मेरा झींगा बनके तैयार हो चुका है। अब आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर धनिया काट के डेकोरेट कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप मच्छी खाते हैं तो दूध का सामान बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे कि दही, दूध, लस्सी या दूध वाला आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल भी ना खाए। ये देखिए माशाल्लाह मेरे झींगे बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही लजीज लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। मुझे तो ज़्यादा करके रोटी के साथ खाने मज़ा आता है और चावल के साथ खाने मज़ा आता है, लेकिन इसे हम सिर्फ रोटी के साथ ही खाएंगे क्योंकि इसके अंदर इसके रोएँ भी हैं। बहुत ही मजे का है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना जिसमें आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।